हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। आज आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड एज वेल एज न्यू सिलेबस एंड सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस। सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड न्यू सिलेबस के लिए एंड सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस के लिए। यह अनाउंसमेंट क्या है सर? रिगार्डिंग माई फास्ट ट्रैक कोर्स ऑफ कंपनी लॉ। फास्ट ट्रैक कोर्स ऑफ कंपनी लॉ को बेसिकली मैंने जो बनाया है, मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था कि जो बच्चे, भगवान ना करे, जो रह ही गए हैं, जो फैब अटेम्प्ट के फैब में रह गए जिनका रिजल्ट आया था, उनको जून के लिए तैयारी करने के लिए मैंने उनके लिए फास्ट ट्रैक बनाया था। उसमें मैंने कंपनी लॉ के अंदर क्या करा, क्योंकि मेरा एक्चुअल में फुल कोर्स कंपनी लॉ का 250 आवर्स के आसपास का अप्रॉक्सिमेटली इन डिटेल, तो मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे को फेस टू फेस बैचेस से ही फुर्सत नहीं मिल रही। तो मैंने फास्ट ट्रैक मोड में अप्रॉक्सिमेटली 60 to 65 आवर्स की ड्यूरेशन का कोर्स बनाया है। इसमें मैंने ये चर्स कवर करे हैं, देख लो। पहला कंपनी लॉ इंट्रोडक्शन, जिसमें बेसिक बातें होंगी, इसमें लॉ क्या होता है वगैरह वगैरह, कंपनी और प्रीलिमिनरी और बेसिक कंसेप्ट्स में टाइप्स ऑफ कंपनीज और इलीगल एसोसिएशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, इन सब के बारे में बातें होंगी, जितने टाइप्स ऑफ कंपनी वो भी इसमें बात होंगी। थर्ड आता है आपका कंपनी प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है वो। फोर्थ आपका ऑडिट एंड ऑडिटर्स, फिफ्थ आपका MOA, सिक्स आपका जनरल मीटिंग, सेवंथ आपका डिविडेंड, एट्थ आपका अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, नाइन्थ आपका बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर्स, टेंथ आपका अपॉइंटमेंट ऑफ KMP एंड इट्स रेमुनरेशन जो है। इसमें अगर आपसे बात करूं ओल्ड कोर्स के लिए तो सारे चैप्टर ही वैलिड है। अगर ये सीएस एग्जीक्यूटिव की बोलूं, सीएस फाइनल ओल्ड कोर्स की ACL की बात करूं तो उनके लिए भी सारे वैलिड है। अगर सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू कोर्स की बात करो, उसमें ये जो सेकंड चैप्टर आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज और इसके अलावा कंपनी प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन और जो फिफ्थ चैप्टर आपका MOA, ये आपका कंपनी लॉ का पोर्शन है, ये आपके किसमें, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज के अंदर, लेकिन बाकी सारा आपका कंपनी लॉ के पोर्शन में है। तो अगर आप लोग को भी ये सारा ही कोर्स मैं दूंगा तो उसमें आपको फायदा ये हो जाएगा कि आपके सेट, देखो इन चैप्टर्स के बिना कंपनी लॉ समझ नहीं आने वाला, इसलिए मैंने साथ में रिकॉर्ड करा। तो अगर कोई ओल्ड कोर्स का बच्चा, उसको साथ लेना होगा, उसको साथ ही मिलेगा, ये फायदा हो जाएगा। उससे फायदा उसके हो जाएगा, सेटिंग अप के भी कुछ चैप्टर तैयार हो जाएंगे और साथ में कंपनी लॉ का बेस बन जाएगा, इनके बिना कंपनी लॉ का बेस नहीं बन सकता। रही बात साथ में, अगर आप चाहे तो देखो मैंने इसका प्राइस बहुत रीजनेबल रखा है। साथ में अगर आप लोग चाहे तो हमारे टैक्स का कॉम्बो ले सकते हैं अमित कुमार सर का, वो मैं आप उनके, आप लोग चाहे तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करना। इसके प्राइसेस इतने रीजनेबल रखे हैं मैंने कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। मैंने जान के रखा कि थोड़ा सा इस बार बच्चों की हेल्प हो सके इस जून अटेम्प्ट के लिए, तो मैंने बहुत रीजनेबल प्राइस रखा है इसका। और इसमें अगर ऑलमोस्ट देखें तो आपका ये 65 आवर्स की ड्यूरेशन है और अप्रॉक्सिमेटली 65 टू 70 मार्क्स की आपकी वेटेज भी कवरेज हो जाती है एग्जाम के अंदर। मैं पूरा नहीं कर पाया था क्योंकि मैं टाइम की शॉर्टेज थी। अब जो दिसंबर अटेम्प्ट वालों के लिए आएगा वो इन डिटेल आएगा फुल, लेकिन जून वालों के लिए मेरा बेसिकली, क्योंकि फोकस ये था जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके लिए है। लेकिन और कुछ बच्चे ऐसे होंगे अगर जो फेल नहीं हुए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, वो भी लेना चाहे तो इस कोर्स को ले सकते हैं, उनको फायदा ये हो जाएगा। अगर वो सेल्फ स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो उनको इस चैप्टर पढ़ के एक बेस बन जाएगा, हेल्प हो जाएगी। चलिए बाकी इसके रिगार्डिंग क्या प्राइस है वगैरह, इसकी क्वेरी वगैरह के लिए आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे शो हो रहा है आप उसमें मैसेज कर देना, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एंड जिस तरीके से इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं ना, वो बनाए रखें, बहुत अच्छा लगता है कि सोचा नहीं था इस लेवल पे आप लोग, जिस लेवल पे आ गया आज आप लोग ले आए हैं, थैंक्स अ लॉट। थोड़ा सा क्या है कि बिजी शेड्यूल है उसकी वजह से थोड़ा सा वो माफ करना कि JIGL वगैरह जो स्टूडेंट्स सिक्योरिटी लो सबके लिए लेके आऊंगा इस बार, तो रिवीजन भी करवाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट से, क्योंकि जैसे जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं फिजिकली अगर मेरे को जानते होंगे, क्योंकि मैं CA फाइनल, CMA फाइनल और CS फाइनल के फेस टू फेस बैचेस में ही, और CA इंटर वगैरह के मेरे को फुर्सत मेरा, क्योंकि मेन CA फाइनल और CA इंटर चलता ही था, CS के अंदर भी हूं अब, तो क्या होता है कि टाइम कंस्ट्रेंट्स इतने हो गए कि बचता नहीं, 7 डेज वर्किंग है, तो जितना शाम को आके बचता है उसमें रिकॉर्डिंग कर पाता हूं। चलिए थैंक्स अ लॉट, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, बाय बाय।